हाँ जी, एक्सरसाइज 3.4। इसमें हम दो इक्वेशन दी हुई हैं, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव। इसको मान लेंगे इक्वेशन वन, और टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन टू। देखो अब आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे क्या मेथड होता है ये। देखो इसमें x का कोफिशेंट 1 है और इसमें x का कोफिशेंट 2 है, इसमें y का कोफिशेंट प्लस 1 है और इसमें y का कोफिशेंट माइनस 3 है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है ऐसे क्वेश्चन करने का एलिमिनेशन मेथड से, हम कोफिशेंट इक्वल करेंगे या तो x का या फिर y का, ये हमारी मर्जी है। दोनों में से किसी का भी कोफिशेंट इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं x का कोफिशेंट इक्वल करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 है तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मैं y का कोफिशेंट इक्वल करना चाहता हूँ तो ये 3 है तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है, हम किसी का भी हम जो कोफिशेंट है इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है कोफिशेंट इक्वल करना है। तो अगर मैं x वाला कोफिशेंट इक्वल करना चाहता हूँ तो फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने इक्वेशन 1 को। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y और 2y जो 10 इक्वल टू 10, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट इक्वल कर दिया हमने, अब ये दो इक्वेशन रहेगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब जो हमने इक्वल किया है, ये भी 2x है ये भी 2x है, जो इक्वल किया है इसको हमने काटना है, हटाना है, इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो या तो हम प्लस करेंगे या फिर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। देखो अगर हम प्लस करें तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कटा तो है नहीं, इलिमिनेट नहीं हुआ ये, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्योंकि माइनस कर रहा है तो ये माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था ये प्लस हो गया, और ये 4 प्लस का था माइनस हो गया। प्लस 2x से माइनस 2x से कट जाएगा, 2y और 3y क्या हो गया, 5y, और 10 में से 4 माइनस होएंगे तो बच जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6/5। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6/5। अब क्या करेंगे, हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। अब इस y की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे पुट या सेकंड में। ठीक है, ये हमारी मर्जी है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जब इसकी y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x और y की जगह आ गया हमारा 6/5 इक्वल टू 5। अब ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 5 आ गया, 25 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये बचेगा 19/5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू है 6/5, यही हमारा आंसर है, 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार दोबारा से देख लो कैसे करना है। ये दो इक्वेशन दी हुई थी, पहला स्टेप क्या है, हम कोफिशेंट इक्वल करेंगे या तो x के या फिर y के। ठीक है, तो x के कोफिशेंट इक्वल करने के लिए मैंने, ये 2 था तो इसकी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 3 आ गई।
अब जो इसमें क्या आगे क्या होता है, जो एक जो हमने कोफिशियंट इक्वल करा है उसको काटना है, यानी कि हटाना है, इलिमिनेट करना है। तो या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस करने से तो बात बन नहीं रही, ठीक है, क्योंकि 2x और 2x 4x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। जब माइनस किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये कट के ये कट गया और y की वैल्यू आई 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, ये हमारी मर्जी है। जैसे मैंने इक्वेशन 1 में रख दी, इक्वेशन 1 में जब रखा इसको, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो कैसे है। सेकंड पार्ट में 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब वैसे ही करेंगे, या तो x के कोफिशियंट इक्वल कर लो या y की, ठीक है। ये 3 है, 2 है। अगर मैं इसको 2 से कर दूं ये 6 हो जाएगा, अगर इसको 3 से कर दूं ये भी 6 हो जाएगा, 6x 6s हो गया, ठीक है। मगर ये y के देखो, अब ये 4y है, ये 2y है, ठीक है। एक ही स्टेप में हो सकता है, अगर मैं इसको 2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो ये भी क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कर लेते हैं, हम y के कोफिशियंट इक्वल कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x - 4y = 4। ये होगी इक्वेशन 3। अब हमने ये क्या कर लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, ये दोनों लेनी है, अब ठीक है। अब ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4x से माइनस का 4y से माइनस का 4y कट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे हम। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है, 4x - 4y = 4, और इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = 10। अब प्लस करना है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, 4x और 3x हो गया 7x, ठीक है। और ये 4y से 4y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के थे, इक्वल टू आ गया 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इस x की वैल्यू को या इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में 3 और x की वैल्यू क्या आई है, 2, ठीक है। x की जगह 2 रख दिया, प्लस 4y = 10। 3 × 2 = 6, ये 4y हो गया = 10। 4y = 6, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4y = 10 - 6 = 4 आ जाएगा, और 4/4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया, x = 2 और y = 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, देखो कैसे करेंगे इसको इलिमिनेशन मेथड से। 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको ठीक कर लेंगे इक्वेशन को, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, तो क्या बनेगी, 3x - 5y। अब ये कांस्टेंट माइनस है 4, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट, और ऐसे ही 9x 2y, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, = 7। ये होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। आप क्या करेंगे,
पहला स्टेप क्या है, एलिमिनेशन मेथड का कोफिशियंट इक्वल करेंगे। देखो यहाँ पे x का कोफिशियंट 3 है, यहाँ पे क्या है x का कोफिशियंट 9 है। अगर मैं इसको 3 से कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 3 9। अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी क्या बन जाएगा, 9x बन जाएगा। तो कोफिशियंट इक्वल हो जाएगा x का, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या हो गया 9x, 3 से करेंगे तो 15y आ जाएगा और ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 3, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट को करी थी तो ये सेकंड और थर्ड, ठीक है, 9x 9x, ठीक है, इक्वल हो गए कोफिशियंट। अब इस कोफिशियंट को हटाना है हमने, इस 9x को हमने वो करना है, इलिमिनेट करना है, इसमें से भी एक्स को इलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9x में से 9x माइनस होएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 क्या कर दो, माइनस कर दो। इक्वेशन 3 क्या है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस, 9x से माइनस का 9x कैंसिल हो गया, माइनस 15 है और प्लस का 2 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 13y इक्वल टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 ये कितना बचेगा, 5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 बाय ये 13, माइनस का 13 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/13, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या ये 3x माइनस 5 इंटू 5/13, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 5 बाय माइनस 5/13 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आ गया 3x, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस, प्लस 25/13 इक्वल टू 4। अब ये प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 25/13, ठीक है। अब इस साइड क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 13 आ गया, 13 4 52 माइनस 25, ठीक, 3x, तो 3x की वैल्यू आ गई 52 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 27/13। अब ये क्या कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड कर देगा, नीचे आ जाएगा इसके 27/13 × 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर डिवाइड कर दिया। अब 3 से कट हो जाएगा, 3 9 जाए, तो क्या बचा, 9/13, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x इक्वल टू 9/13 और y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 5/, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 पार्ट है, ठीक है। अब ये देखो, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, पहले इसको एलसीएम लेके हम ठीक कर लेंगे। तो x बाय 2 2y/3 इक्वल टू -1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6 आ जाएगा, 3 2 6 2 2 4 और -1। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 3x + 4y इक्वल टू -6, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, ऐसी ये वाली ले लेंगे, x माइनस वाई बाय थ्री इक्वल टू थ्री, इसका भी एलसीएम लो, इधर वन लगा दो नीचे इसके, थ्री आ गया एलसीएम, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, अब थ्री डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, ये होगी इक्वेशन टू, इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। अब क्या करेंगे, कोफिशेंट इक्वल करेंगे, देख पर हमने ध्यान से देखा तो ये थ्री एक्स और इधर भी थ्री एक्स पहले से इक्वल था, तो पहले से इक्वल तो आप कोफिशेंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स और थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू नाइन, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, अब ये तो हो गया कैंसल, फोर वाई और वन वाई ये हो गया फाइव वाई और ये हो गया माइनस का फिफ्टीन, तो वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस फिफ्टीन, फाइव इधर जाके डिवाइड करेगा तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस थ्री, ठीक है। अब इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन, ठीक है, तो थ्री एक्स प्लस फोर इंटू वाई की वैल्यू है माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस सिक्स, तो थ्री एक्स माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो थ्री एक्स इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाय थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई टू, तो हमारे पास आंसर क्या है, एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस थ्री, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन भी।